केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज देर रात कोटा पहुंचे हैं। वे कल सुबह झालावाड़ जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे, इसके लिए ही कोटा आए हैं। आज रात्रि को सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे, इसके बाद में रविवार सुबह वे झालावाड़ के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर सुनेल इलाके के कनवाड़ी गांव में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। साथ ही कोटा पहुंचने पर उनका भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया। साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर तीखे हमले बोले हैं। देखिए, मुझे लगता है कि डोटासरा जी अपने आकाओं को खुश करके अपनी PCC की कुर्सी और अपने मंत्री पद दोनों को बचाने के बीच लिए जूझ रहे हैं। और प्रश्न आम राजस्थान के व्यक्ति के मन में ये है कि वो कुर्सी अपनी मंत्री की बचा पाएंगे या PCC अध्यक्ष पद की कुर्सी बचा पाएंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरकार गिराने के सवाल पर कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी पार्टी के नेताओं ने अपनी ही घर की कालिख दूसरे के घर पर लगाने की कोशिश की थी। सचिन पायलट जी के नेतृत्व में छोड़कर दिल्ली जाकर के बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनके पार्टी अध्यक्ष ने, उनके पार्टी के अनेक नेताओं ने अनेक तरह के अनर्गल आरोप के लगाए, बयानबाजी की। मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने बाउंसर बना के उनको हॉस्टेज बना के उनको रखा हुआ। वो 19 विधायक कोई बच्चे नहीं थे, उनमें से आकर के क्या किसी भी एक व्यक्ति ने ये बयान दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थे, भारतीय जनता पार्टी के बाउंसर्स ने हमको रोक रखा था, हमको भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने जबरदस्ती वहाँ रोक रखा था? दूसरों के घर पे और उसका बोझ और उसकी कालिख दूसरों के घर पे और मुंह पे पोतने का प्रयास, इससे ज़्यादा हल्की राजनीति का स्तर नहीं हो सकता। शेखावत सड़क मार्ग से झालावाड़ जाएंगे और वापसी में भी सड़क मार्ग से कोटा आएंगे। यहाँ से वह ट्रेन से ही दिल्ली जाएंगे। मनीष गौतम, ETV भारत, कोटा।